सोन आदोना जी के जो गुज्जर गाथा 3 है उसकी प्रमोशन के लिए समस्त लीडरशिप आज मैं याद भुल गया थी साढ़े पत्रकार भाईचारे तो गौरव राणा जी की अगवाई विच कमलजीत सैणी जी दिनेश हलण जी और साढ़े बिंद्रपाल जी पहुँचे है उन्होंने बहुत बहुत निघा स्वागत है साड़ी सभा वालों और मणकोली तो साढ़े जतोली तो कहने नींह पत्थर रखना जितदा साढ़े सोहन लाल जी भुंबला साहब चौहान साहब जसविंदर जी पम्मी ठेकेदार जी कमल ठेकेदार जी राकेश जी गोरसी साहब गुरदेव जी भजन लाल सोढ़ी जी ठेकेदार मोहन लाल जी समुची टीम नू समुचे नगर जतोली का दिल दी गहराइयां तो दूण गुजर वैलफेयर सभा धन्नवाद कर दी इत्थे पहुँचण ते सो होर भी किसी का ना लैण तो रह गया होवे मैं उन्हां तो माफ़ी चाहना सारिआं तो मुंगड़ी तो साढ़े सरदार सोम सिंह जी जशपाल जी रोशन सरपंच जी जिन्हें भी लोग साढ़े इत्थे समागम च पहुँचे है उन्हां दा धन्नवाद है और एक बेनती करदा बहुत बहुत धन्यवाद। गुजर गाथा 3 का आज आगाज हुआ है, रिलीजिंग हुई है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बोली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजा करें, शेयर का बटन दबाया करें। अब आखिर में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम गुज्जर भाई बहुत बड़े बड़े कारोबारों में व्यस्त रहते हैं, उसके साथ साथ हमारा किसानी से भी संबंध है। तो जो बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उन सभी के लिए हम आधे मिनट का मौन रखेंगे। तो कृपया एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर किसानों के लिए आधे मिनट का मौन जरूर रखें। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। अब सबसे आखिर में जिनके लिए आप सुबह से एकत्रित हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में गुज्जर बिरादरी का परचम फहराने का स्वागत है जिन्हें प्राप्त हुआ है, मैं आवाज लगाऊंगा आपकी जोरदार तारियों के बीच श्री बच्चू सिंह बैंसला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुजर महासभा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सर्वप्रथम तो मैं जैसा मुझे जानकारी में आया है कि राजा कनिष्क के गोत्र के किसानों के गांव को इस प्रांगण में सब प्रथम उनको राजा कनिष्क को नमन करते हुए, क्योंकि कसाना वंश जो है वो राजा कनिष्क की गुजर सम्राट राजा कनिष्क की वंश से माना जाता है। तो ये गांव जैसा राजा कनिष्क के गोत्र का कसानों का है तो राजा कनिष्क को नमन करते हुए मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की पूरी राष्ट्रीय टीम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
हम पूरे देश में हमारे एक पूरे देश के अंदर महासभा के अभियान के रूप में लगे हुए हैं, और ये हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, जिनके लिए मैं बार बार सलूट करता हूँ कि उन लोगों ने 1908 में एक संस्था बनाने का सोच रखी थी, उनकी सोच को सलाम करता हूँ कि उन लोगों ने सोचा था कि मेरे कौम के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी एक संगठन की जरूरत होनी जरूरी है, कि उन लोगों ने 1908 में ये कल्पना करी थी, उनकी सोच को सलूट बनता है हमारे इस कौम में जन्मे एक एक आखिरी पंक्ति में बैठे एक एक बच्चे का, क्योंकि हमारे संगठन के जन्म होने के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी जो को जो कंट्रोल करता है आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, लेकिन वो आज देश की सरकार तय करता है, और हमारा समाज का संगठन 1908 में जो 1925 के संगठन से भी पहले बना, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की जो पूर्वजों के भी पूर्वज पूर्वजों के भी पूर्वज अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। उन लोगों की कल्पना थी कि मेरे कौम के अधिकार, मेरी कौम की बात, मेरे कौम पर कोई अत्याचार जब हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक इस कौम पर कोई अत्याचार करेगा तो मेरे राष्ट्रीय संगठन हिमालय पर्वत की तरह पूरे देश के गुजर समाज के संरक्षण के लिए खड़ा मिलेगा, जिसे अखिल भारतीय गुजर महासभा कहते हैं। यह अखिल भारतीय गुजर महासभा आज का संगठन नहीं है मित्रों, मेरे कौम के सरदारों, मेरे युवा साथियों, आप सब लोगों को यह जानने की जरूरत है कि 1908 की वो संस्था है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व देश की बड़ी बड़ी हस्ती और शख्सियतों ने करने का सौभाग्य मिला है। चाहे जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर के मेढर से आते थे चौधरी अब्दुल गनी, वो किसी समय इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इसका जन्म महाराज सिंह जी मुंडलाना उत्तर प्रदेश की धरती से, हीरा सिंह जी सिसोना, जिन्होंने 1908 में यह कल्पना करी थी कि अखिल भारतीय गुजर महासभा संस्था का जन्म, जिसे संस्थापक सदस्य कह सकते हैं, जिन्होंने संस्था को सदस्य के रूप में बनाया तो सही, लेकिन अध्यक्ष उन्होंने अपने आप को नहीं, महाराज सिंह मुंडलाना को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। यह 1908 के टाइम की बात। मैं आज मेरी कौम के सौभाग्य के लिए मुझे इस महासभा में पिछले 20 साल से कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज देश की बड़ी हस्ती थी, जिनको हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्षों की हिम्मत नहीं कि उनकी अनदेखी करते थे, चाहे कोई सी राजनीतिक दल की बात हो विधायक जी, किसी भी राजनीतिक दल के दरबार उसके लिए 24 घंटे खुले रहते थे। माननीय पी के अन्ना पाटिल साहब का यहां मैं अगर जिक्र करना भूलता हूं तो इस हिंदुस्तान की सभा और हिंदुस्तान की कौम के लिए एक अछूता है, क्योंकि वो 32 साल इस सभा के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। देश में किसी व्यक्ति ने कभी यह नहीं कहा उनके सामने कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार बनना भी चाहता है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहते थे, देश के बड़े बड़े शख्सियत, राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन समाज की संस्था में शिखर पर पहुंचता है वो साधुवाद और काबिले तारीफ के बाद होता है। राजनीति आती है जाती है, 5 साल रहती है, पता नहीं 5 साल भी नहीं रहे सरकारें गिर जाती है, उनका कोई जब परमानेंट जो है वो नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन कौम की जाजम का स्थान हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के लिए, केवल मेरे कौम के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान की जाजम जो होती है ना, मेरे कौम के सरदार जो युवा साथी और मेरी मातृशक्ति जो बैठी है, ये कौम की जो जाजम कहते हैं इसको, इस जाजम पर बैठे जो मेरे सरदार और युवा साथी है, इनसे बड़ा कोई भी व्यक्ति इस कौम की ताकत नहीं हो सकता है। चाहे वो देश का उप प्रधानमंत्री बन जाए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, किसी प्रदेश में एमएलए विधायक सांसद बन जाए, लेकिन मेरी कौम की ये जो जाजम है, इस जाजम से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने भी ऐसी कभी भूल की है विधायक जी, चाहे वो किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, जिस दिन उसने अपनी जाजम को कमजोर समझने की भूल की और अपने आप को बड़ा समझने की भूल की है, उस दिन उसकी समाज के इतिहास में लिखा जाता है।
और हर हिंदुस्तान की 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली गुजर संस्कृति है। गुजर एक ही ऐसी जाति है हिंदुस्तान में, आपको गौरव करना चाहिए, आपको फक्र करना चाहिए, आपको सीना चौड़ा करना चाहिए कि हिंदुस्तान में गर्व करने की ताकत अगर केरी कम्युनिटी की है तो वो गुजर है। और गुजर यो है, मैं नहीं कहता कि गुजर उस बात के लिए होते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि गुजर किसी जाति का नाम नहीं, गुजर एक संस्कृति का नाम है जिसमें हिंदू भी रहता है, जिसमें मुस्लिम गुजर भी रहता है, जिसमें जैन भी रहता है। ऐसा समाहित करने वाला आपका गुजर कौम है जिसको संस्कृति का नाम दिया जाता है। गुजर एक संस्कृति है, नॉट ए सिंगल गुजर जाति, गुजर एक संस्कृति है जो सभी 36 कौम को साथ समा के रखने की क्षमता रखती है। कैपेसिटी अगर उसके अंदर है तो वो गुजर कौम है, इसीलिए उसको गुजर संस्कृति कहा गया है इतिहास में। और मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है हिंदुस्तान के, जब अगर विदेशी आक्रांताओं की जब करने की हिम्मत होती थी मेरे भारत देश पर, उस समय गुजर सम्राट मेहर भोज ऐसी हस्ती, ऐसा रणवाकरा पैदा हुआ, इस कौम का बेटा, इस गुजर कम्युनिटी की, इस गुजर मां की बेट कोख से जन्म लिया गुजर सम्राट मेहर भोज ने, जिसने विदेशी आक्रांताओं की आक्रमण करने की बात तो छोड़ दीजिए, विदेशी आक्रांता आंख उठाने की हिम्मत पैदा नहीं करती, ऐसा गुजर सम्राट मेहर भोज का ही राज था। और 49 साल लगातार उसने कार्य किया। अगर मैं कहता हूं कि काफी लोगों को अगर हिंदू बनने से रोकने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ गुर्जर सम्राट मेहर भोज ने ही किया है, इस हिंदुस्तान के नाम को हम बचाने का काम किया है तो गुर्जर सम्राट मेहर भोज ने। और इसीलिए मेरे देश की कई कौम, कई राजनीतिक क्षत्रिय कौम, क्योंकि छत्री कोई जाति नहीं होती है, छत्री में जाट भी आता है, छत्री में गुजर भी आता है, छत्री में राजपूत भी आता है। और गुजर सम्राट को अगर हिंदुस्तान का हिंदू सम्राट भी कहते हैं और उस बात को वो सब स्वीकार भी करते हैं, ये आपके फक्र का विषय है, गुजर कम्युनिटी के फक्र का विषय, गर्व का विषय है कि वो केवल आपकी कम्युनिटी के ही सम्राट पे, जो आपके गुजर से जन्मा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी शख्सियत अगर हिंदुस्तान में बनेगी तो किसी ना किसी माँ के पेट से जन्म लेगा, और वो माँ गुजर थी तो गुजर तो अपना जाति तो भूल थोड़ी सकती होती है। लेकिन माफ करना मेरे युवा साथियों, आपके कंधों पर वजन है इस व्यवस्था का। मेरे जो युवा हैं उनके लिए मैं स्पेशली फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज और मेरे जो आदरणीय सरदार, इस कौम के सिरमौर जो बैठे हुए हैं आपके बीच में, इन लोगों ने जिनकी इनकी जिनकी जितनी क्षमताएं थी उन क्षमता के अनुसार अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने कौम के नाम को बचाने के लिए इन्होंने अपना संघर्ष सब कुछ त्याग किया, सब कुछ किया है। अब उसको आगे संवारने की, सजोने की जिम्मेदारी अगर है तो मेरे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात के युवाओं के कंधे पर है। इस युवाओं ने अगर आपने इतिहास भूल गए तो आपका हिंदुस्तान में नामो निशान मिट जाएगा, अगर आपके इतिहास को याद नहीं रखा तो आपने। इसलिए आपको जो है इस इतिहास को सजोना है, संवारना है, तो युवाओं को स्पेशली आगे आना पड़ेगा। इन्होंने जितना अपनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, काम किया। अब हमको ये संजोने संवारने का काम करना है तो हम जब भी इस बात को सीखेंगे। और माफ करना, आज आपके बैनर पर नहीं लिखा है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है, इसका नारा है, इसके कोने पर आज भूल की है पंजाब के कायने में। आपको ये इस बहाने से बताता हूं कि आपको कोने पर शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये हिंदुस्तान की अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का नारा। आज से नहीं, वर्षों से, पिछले 113 साल की ये संस्था है। 1908 से जब 2021 में आज हम खड़े हैं तो इस साल को जब काउंट करते हैं तो 112 से 13 साल की ये संस्था है। और इस संस्था के बैनर के सिर पर इस कोने पर शिक्षित बनो होता है, बीच में संगठित होता है, उसमें संघर्ष करो। और इस नारे का जो उद्देश्य है, उस नारे के उद्देश्य को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कौम हिंदुस्तान में केवल संघर्ष करने के लिए पैदा हुई है। मेरी कौम ने जब से जन्म लिया है, मेरी कौम का इतिहास जब से प्रकाशन में आया है, तब से लेके और आज 2021 जो आधुनिक युग जिसको भारत कहते हैं, तब तक भी मेरी कौम को अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि हमको कभी भी शुरू से लेके और आज दिन तक अगर इस गुजर कम्युनिटी को कुछ भी मिला है तो सिर्फ और सिर्फ इसके संघर्ष पे मिला है, किसी ने खैरात में नहीं दिया है मेरी कौम को हिंदुस्तान में, यह सच्चाई है। और भारत की राजनीति के जितने भी दल हैं, उन राजनीतिक दलों को भी मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं, अगर मेरी कौम का आप ध्यान नहीं रखोगे
तो हम भी आपका नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक अगर मेरी कौम का इतिहास मिटाने का काम करेंगे, हम आपकी पार्टी का इतिहास मिटाने की हिम्मत रखते हैं। 15 करोड़ की आबादी मेरी गुजर कम्युनिटी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाल ही में मैंने 13 राज्यों के प्रेसिडेंट, जिस कोरोना काल में देश गुजर रहा था, मुझ छोटे से इस कौम के बच्चे को सौभाग्यशाली होकर मुझे गठन करने का, इस समाज की संरचना करने का सौभाग्य मिला। और सौभाग्य इसलिए मिला कि मैंने मेरे देश के बड़े बड़े हस्तियों की उंगली पकड़ के इस सभा में काम करना सीखा था। और मेरा काम का अनुभव है, मेरी उम्र कम हो सकती है, मेरे से उम्र में बड़े बड़े सरदार हैं, सभी मेरे कौम के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरा तजुर्बा बड़ा है। और कभी कहते हैं कि कभी कोई चीज छोटे से भी सीखने को मिले तो उसमें कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, अगर छोटे से भी हमको कोई सीखने को चीज मिलती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं विनम्र करने, अपील करने, निवेदन करने, आग्रह करने आज आपकी धरती पर आया हूं, पंजाब की धरती पर आया हूं, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय गुजर महासभा आज आपके देश के कोने कोने में। आप ये कभी अपने को हल्के में ना सोचे कि पंजाब में मेरी कम्युनिटी कमजोर होगी, लेकिन साथ में आपको हिंदुस्तान के 15 राज्यों के जो प्रदेशों की कार्यकारिणी है, हम इतनी हिम्मत रखते हैं, हमने राजस्थान में करके दिखाया उदाहरण उस चीज का कि वर्ल्ड का बीबीसी भी बोलता है, विदेश भी कहता है कि अगर इस हिंदुस्तान में कोई मार्शल कम्युनिटी है तो उसका नाम गुर्जर है, ये हिंदुस्तान का मीडिया कहता है, वर्ल्ड का मीडिया कहता है, बच्चू सिंह बैंसला बीबीसी बोलता है जो देश का, बच्चू सिंह बैंसला। और बीबीसी अगर किसी बात को बोलता है तो मेरी कौम के गर्व की बात करने की बात होती है। ये बीबीसी भी कहता है कि गुर्जर समाज ऐसी है हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के नक्शे पर भी गुर्जर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपको इंग्लैंड, लंदन, विदेश के किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो वहां भी अपना परचम लहरा रहे, लेकिन वो हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम भारत देश के एकता और अखंडता के साथ खड़े। और मेरी कौम एक देशभक्त और राष्ट्रपति का मुझे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस कौम के लिए मेरे बेटों ने अगर शहादत हंसते हंसते बलिदान करने का काम किया है। आज भी आप बॉर्डर पर जाएंगे तो हिंदुस्तान के, मैं आपको राजस्थान की एक छोटी सी बात करता हूं कि राजस्थान के एक गांव में ऐसे है, एक बाप है उसके 5 बेटे हैं, बाप भी आर्मी में है उसके 5 बेटे भी आर्मी में है, ऐसा कोई घर होगा हिंदुस्तान में? ऐसी कम्युनिटी गुजर है कि एक बेटा मर गया तो उसके बच्चे को भी वो आर्मी में भेजना पसंद करता है। ये ऐसी देशभक्त और राष्ट्रभक्त की पहचान है आपकी कौम की। दुनिया के किसी राजनीतिक दल की, किसी प्रशासनिक व्यवस्था के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस कौम को, क्योंकि इस कौम ने ऐसा करके दिखाया है। इस कौम का इतिहास ऐसा अजर अमर है, जिन लोगों ने असफल प्रयास किया वो भी इस कौम के इतिहास को दबाने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो भी उनके पूरी तरह से नामो निशान मिटाने का काम नहीं कर पाए। लेकिन अब बात आती है इस आधुनिक युग में, मेरी कौम हमेशा जब से होश संभाला है लेके आज तक संघर्ष कर रही है, लेकिन हमने संघर्ष कई अधिकारों में किया, कई बुराइयों को किया। हाल ही में विजयदशमी का पर्व गया है, जिसको अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, हमने भी उस अच्छाई की बुराई की को बुराई पर जो जीत का निशा है अच्छाई करने के लिए, मेरे कौम के इतिहास को बचाने के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, मेरे युवा साथियों एक नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए मेरी कौम के इतिहास को बचाने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति नशा से दूर रहेगा। अगर मेरी कौम का इतिहास बचाना है, आपका खुद का स्वयं का वजूद बचाना है, तो आपको नशा से दूर रहना पड़ेगा, नशा मुक्ति का अभियान भी साथ में चलाना पड़ेगा। किसी कौम को खत्म करना है उसको नशे की आदत डाल दो, अगर उस कौम को खत्म करना है तो उसको नशे की आदत डाल दो। इसलिए हम देश में जब काम करते हैं, मेरे कौम बहुत बलशाली कौम होती थी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया हो, चाहे बड़े बड़े राजा रियासत रहे हो, अगर कोई पहलवान किसी कम्युनिटी में चराए जाते थे तो वो गुजर कौम में पहलवान चराए जाते थे जो उनकी सुरक्षा में काम आते थे। ऐसी बलशाली कौम में आप जन्म लिए हो, आपको प्राउड करना चाहिए, आपको गर्व करना चाहिए, मेरा इतिहास कमजोर नहीं है। मेरे एक एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए, खासतौर से मेरे युवा साथियों को समझ लेना चाहिए, आपका इतिहास कहीं कमजोर नहीं है, आप पंजाब कहीं दूर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर पंजाब का व्यक्ति आवाज लगाएगा तो महाराष्ट्र का व्यक्ति और गुजरात का व्यक्ति आपकी एक आवाज पर खड़ा रहेगा दिल्ली के अंदर। और जब दिल्ली में आप जाएंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने तो वहां भी आपको NCR कहीं कमजोर नहीं है, NCR धनशाली है, बलशाली है।
और हर तरह से मसल पावर अगर ताकत रखता है, जहां जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, जहां से देश की सरकारें चलती है, देश की नीतियां बनती है, वहां आपकी कौम मजबूती के साथ एक प्रहरी के रूप में खड़ी है। क्योंकि गुजर सम्राट ने वो काम किया था, वो आपकी एनसीआर का गुजर भी वो काम करने के लिए पंजाब के गुजर के साथ खड़ा है। मैं आपको कहता हूं, हमें 36 कौम के विश्वास करने के लिए हमारे महापुरुषों ने काम किया है। मैं मेरे युवा साथी और मेरे कौम के सरदारों से भी कहता हूं, जब हमारे महापुरुषों ने ही 36 कौम का जब सम्मान करने का और सबको जोड़ के काम करने का काम किया, तो आपको भी उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। 36 कौम के समाज को साथ लेके और सबके साथ सद्भाव करके हम उनको साथ में लेके अपना काम करें। क्योंकि हम लोगों ने तो यही नमूना पेश किया है, हमने हिंदुस्तान की रक्षा की है, तो हम 36 कौम तो बहुत छोटी चीज हो जाती है उसमें। अब हमको एक बात आती है, क्योंकि इस टाइम पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजनीतिक बात भी बहुत लोगों ने मन से की, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने संघर्ष किया है, हमने हर चीज के लिए अपना जो वजूद बचाने के लिए संघर्ष किया। क्योंकि हमने इस देश में केवल 1927 में जब क्रिमिनल ट्राइब घोषित हुआ था, हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्वान लोग, मेरे से बहुत बड़े विद्वान है, सब विराजमान है, 1927 में क्रिमिनल ट्राइब किसी केवल दो ही जाति को बनाया था। जब अंग्रेज यहां पे आए थे तो गुजर और मीणा, लेकिन मीणा को एसटी बनाया और गुजर को एसटी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा गुजर से ही लगता था कि अंग्रेज जब रहते थे, अगर कोई गुजर व्यक्ति अपने पिंड से, अपने गांव से, जो आप कहते हैं, कहीं बाहर जाता था, तो थाने के रोजनामचे में लिखा के जाना पड़ता था उसको कि ये गुजर भाई कितने दिन के लिए कहां जा रहा है, कब वापस लौट के आएगा। क्योंकि उसको ये डर रहता था कि अगर 5 भी गुजर इकट्ठे हो गए, 500 की छोड़ दीजिए, 50 की छोड़ दीजिए, 5 गुजर इकट्ठे हो गए, तो अंग्रेजों का तख्ता पलट करने की ताकत रखते थे। इस कौम के ऐसे ऐतिहासिक कौम में आपने जन्म लिया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों को, क्योंकि अब राजनीतिक जमाना है, हमने आरक्षण के लिए संघर्ष किया। हमारे पी के अन्ना पाटिल जो 32 साल सभा के अध्यक्ष रहे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, तो पी के अन्ना पाटिल एक बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान में, चेहरा थे राजनीति में। कोई भी मेरी कौम का व्यक्ति सांसद होगा, बड़े से बड़े मंत्री संतरी किसी भी लेवल पर पहुंचा होगा, लेकिन पी के अन्ना पाटिल का कद वो था कि देश का प्रधानमंत्री उनके एक बुलावे पर छोटी सी तहसील में पहुंच जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये छोटी शख्सियत नहीं होती है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलावे पर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर एक छोटी सी तहसील के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। चंद्रशेखर जी जो राजपूत समाज से आते थे, उनकी बड़ी अभिन्न दोस्ती थी पी के अन्ना पाटिल की। जब पी के अन्ना पाटिल के दोस्त थे, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा चंद्रशेखर जी ने कि अन्ना साहब आप हिंदुस्तान के गुजर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्व करते हो, आप हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक आप उस कम्युनिटी का नेतृत्व करते हो, मैं आपको भारत का गृह मंत्री बनाना चाहता हूं। लेकिन उनसे सीखना चाहिए, आज राजनीति की पराकाष्ठा कितनी पहुंच गई है ये राजनीतिक दलों को पता है और सबको पता है, आम आदमी को जो राजनीति में अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं, कि वो व्यक्ति था उसने भारत का मंत्री का पद अस्वीकार किया और उसने कहा कि मेरे हिमाचल और जम्मू कश्मीर के गुजर को एसटी का आरक्षण दे दो। प्रधानमंत्री जी मैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपका गृह मंत्री बनना ही समझ लूंगा। उन्होंने गृह मंत्री ना बन के और उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एसटी का आरक्षण दिलवाने का काम किया। तो ऐसी शख्सियत राजनीति में आज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पद कोई भी ले लेगा लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा जो इतिहास में नाम लिख गया उनका कि उनकी देन से यह हुआ था, चंद्रशेखर जी ने उस टाइम दिया था। उसकी वजह से आज देश के कोनों में कहीं जाएंगे, राजस्थान में कई जिलों के कलेक्टर लगे, डीएम लगे, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति 5 साल होता है, 5 साल भी फिक्स नहीं, 5 दिन भी पता नहीं है, राजनीति में 5 साल है, कभी होगा कि नहीं होगा। लेकिन आईएएस आईपीएस 60 साल का राजा होता है, संत्र का राजा असली वही होता है जो शासन में काम करने का करता। और जिस कौम के जब बेटे आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं तो देश की नीतियां क्रियान्वित होती है, तो वो ध्यान रखते हैं कि मेरी समाज का कहीं अनदेखी या अनेखी या कोई मेरे समाज का कोई अहित तो नहीं हो रहा है। इसी तरह का काम था
हमारे साथ में राजस्थान में जब मीणा कम्युनिटी को एसटी का आरक्षण मिला, आज देश का कोई भी राज हो, भारत के किसी भी कोने को उठा लेना, देश के एक एसटी के आरक्षण के कारण हिंदुस्तान में एसटी का कोई समाज नहीं रहता है। हिमाचल में अगर एसटी पूछोगे तो केवल गुजर होता है, जम्मू कश्मीर में एसटी पूछोगे तो केवल गुजर होता है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल एसटी मीणा है, और वो एसटी मीणा के आरक्षण के कारण देश के कोने कोने में होम सेक्रेटरी, एसएसपी, कैबिनेट सेक्रेटरी, पूरे देश पे राज है उनका, और देश पे राज है, उनको हिम्मत नहीं किसी राजनीतिक दल की बदलने की। हो सकता है थोड़े दिन उसको राज में से हटा के ठंडी पोस्ट दे देंगे, लेकिन उनको परमानेंट हटाने की क्षमता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, क्योंकि वो एसटी का उस समय जो उनका हो गया उसको आज हटाने की भी हिम्मत किसी गुरेज महसूस नहीं करता। इसलिए मेरी कौम के युवा साथी, मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति देवीय शक्ति जो हमारे बीच में विराजमान है, आज हो सकती है कम है, लेकिन एक एक मेरी मातृशक्ति बहुत बड़ी, क्योंकि आपका इतिहास भी कमजोर नहीं है, आपको भी भारत की उस नारी को याद करना चाहिए, गुजर समाज की उस नारी को याद करना चाहिए, पन्ना धाय जिसका इतिहास अजर अमर है, एक माँ थी जिसने अपने छाती से, अपने पेट से निकाले हुए बच्चे को जन्म दिए हुए को अपनी छाती को वज्र का करके भारत का जो महाराणा प्रताप, जिस पर राजपूत कम्युनिटी पूरे देश में गर्व करती है, उस गर्व को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने कोख से जन्मे बेटे को बलिदान करके और देश के राजपूत समाज महाराणा प्रताप को फक्र कराने का काम किया। उस मातृशक्ति के रूप में आप यहां विराजमान हैं, क्योंकि अगर पन्ना धाय नहीं होते और अपने बेटे का बलिदान नहीं करते तो उदय सिंह नहीं होते, और उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहां से आते, जिस पर पूरा देश का राजपूत समाज गलती से हमारे समाज से काब टकराने की बात करता है। मैं नहीं कहता मेरे समाज की, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं भी छत्री, वो भी छत्री, लेकिन इस बात को बना कि मेरी कौम का इतिहास अगर नहीं है तो तुम्हारा इतिहास तो हमारे से पहले कहीं है ही नहीं, इसलिए आप गलती ना करें। मेरे इतिहास से ही तुम्हारा इतिहास निकला है, और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पद पर राष्ट्रपति भी गए होंगे ना, वो भी इस बात को स्वीकारने में कभी अतिशयोक्ति नहीं करता, वो भी फक्र से कहता है कि अगर आज हम हैं और अगर हमारा कोई अभिमान जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ गुजर कम्युनिटी की वजह से इतिहास जिंदा है राजस्थान का, राजपूत कहता है, जो हिंदुस्तान में फक्र करता है। इसलिए इतिहास की बातें बहुत लोगों ने सब बताई हैं, हमें उस पर ज्यादा ना करने की जरूरत है, क्योंकि किसी की छोटी मोटी बात करने से किसी का इतिहास नहीं दबता है, और इतिहास दबाने के लिए कभी उल जलूल बातें जो करते हैं उनसे कभी इतिहास खत्म नहीं होता है, और ना ही किसी राजनीतिक दल की औकात है मेरी कम्युनिटी के इतिहास को खत्म करने की या बदलने के। जैसा कि बाली में पाला राम जी पंजाब प्रभारी जी ने कहा, आपको यह भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, प्रकाशित करना चाहता हूं कि दो दिन पहले उन्होंने हटाने का काम किया, लेकिन जब हिंदुस्तान के गुजर की ललकार सुने तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कॉल किया, योगी जी ये क्या बीज बो रहे हो आप, इस दादरी में गुजर मत हटाइए, सम्राट के आगे दोबारा गुजर लगवाइए, और उन्होंने कहा, और उसके बाद योगी जी ने जो हमारे सांसद प्रतिनिधि राजनीति थे उनको कहा कि तुरंत इस स्मारक से पुलिस हटाइए और जाके गुजर शब्द लिखा के उन पर अर्पित करके पुष्पांजलि का कार्यक्रम कराइए, जिससे समाज में मैसेज जाए कि दोबारा गुजर लिख दिया गया है। ये आपका, ये आपकी ताकत है, जिंदाबाद, ये मेरे कौम की जाजम की ताकत है, ये राजनीतिक दल के बैठे हुए एक एकमात्र इन प्रतिनिधियों की ताकत नहीं है, ये मेरी जाजम पे बैठी मातृशक्ति, मेरे सरदार, मेरे युवा शक्ति, ये सब आपकी ताकत की वजह से यहां बैठने लायक बने हैं। एक एक व्यक्ति की अगर इनकी आप नहीं होंगे साथ में तो ये इस मंच की शोभा नहीं बढ़ा सकते, ये मंच की शोभा जब ही बढ़ा सकते जब इनके पीछे आप एक ताकत के, एकता के रूप में खड़े हैं। आपकी ताकत के बगैर ये अधूरे हैं, और यही नहीं, कौम की, देश की ताकत के सामने देश में किसी भी शिखर पर बैठे व्यक्ति भी कमजोर हो जाएगा अगर आप उसको ताकत नहीं दोगे तो। इसलिए आपको ताकत देना बहुत जरूरी है, और अब तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपना इतिहास बचाना है, अगर आपका पुराना इतिहास बचाना है, आपको एकता के साथ में अपनी ताकत बढ़ानी होगी, और वो सिर्फ राजनीति की ताकत एक सारे तालों की चाबी है जिससे सारे इतिहास को बदलने की और बढ़ाने की हिम्मत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही अपील करता हूं,
पंजाब के कोने कोने में ये आज की आवाज केवल टेढ़ेवाल इस गांव तक सीमित ना रहे। मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा शक्ति, मेरे सरदार, कौम के वरिष्ठ जन, आदरणीय सम्माननीय और मेरे मंचासीन समस्त सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन और आग्रह है कि पंजाब के इस उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूरब तक ये बात आपको प्रकाशित करने का काम लेना है, बीड़ा उठाना है, अपने एक एक व्यक्ति को इस काम को संभालना है। क्योंकि जिसकी जितनी राजनीति में अगर ताकत नहीं होती है, उस कौम के इतिहास को बचाने की, संवारने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है। क्योंकि जब हमारा कोई केस होता है तो केस में हम अच्छा वकील क्यों ढूंढते हैं? कि अच्छा वकील अगर हम चुन के भेजेंगे, अच्छा वकील अगर हम हायर करेंगे, तो देश के हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केस नहीं हारेंगे। इसलिए मेरे कौम के इतिहास का, मेरे कौम के सम्मान के लिए राजनीति में ऐसे वकीलों का सिलेक्शन करो कि वो व्यक्ति जाए और आपकी वकालत आपके स्वाभिमान और सम्मान को खत्म ना होने दे। जहां देश की विधानसभा और लोकसभा में कानून बनते हैं, उन कानूनों पर प्रहरी के रूप में खड़ा रहे ऐसा वकील आपको चुन के आपके बीच से भेजना है। मैं नहीं कहता कि किसको भेजना है, लेकिन यह फैसला आपको जरूर करना पड़ेगा। हमको बटना नहीं पड़ेगा, हमको रिश्तेदारी में नहीं बटना पड़ेगा, हमको दोस्ती में नहीं बटना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन भाई अच्छा है तो हम जीवन भाई को एकता के साथ सब लोग इकट्ठा करके भेजे, हमारे पम्मी भाई अच्छे हैं तो हम पम्मी भाई को भेजे, और आपके बीच में ऑलरेडी हमारे विधायक जय सिंह जी बैठे हुए, उनको अगर आपको लगता है कि वो हमारे अच्छे वकील साबित होंगे तो उनको भी आप चुन के भेजे। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, और जिस राजनीतिक दल को आप तोल के वोट देने की ताकत सीख गए, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी अनदेखी करने का कोई राजनीतिक दल असफल प्रयास करेगा। कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, अगर आप हल्के दिखेंगे तो आपके ऊपर वो हावी होंगे, और अगर आप एकजुटता के साथ उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो किसी राजनीतिक दल और प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी ताकत के पीछे है, आपके सेवादार हैं, आपके सेवक हैं, असली मालिक आप हो उनके, इसलिए भाग्य विधाता आप हो। और ये भाग्य विधाता को समझना पड़ेगा कि राजनीति में भी हमने ही उनको, हम भाग्य विधाता हम हैं, हमने ही उनको इस सीट पे बैठाने के लायक बनाया है। और जिस दिन आप तय कर लोगे कि ये व्यक्ति हमारा समाज की अनदेखी करता है, ये राजनीतिक दल, ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस सीट से उतारने की ताकत भी आपके हाथ में है। क्योंकि आपकी अनदेखी करेगा तो आपकी, आपके लिए, आपकी कौम के लिए वो हित में नहीं होगा, और जो हित में नहीं होगा उसको हमें करके दिखाना चाहिए। एक कहावत कहते हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, अन्यथा मुर्दे की तरह पड़े रहे तो आपकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, आपको कोई स्थान नहीं है, आपका कहीं महत्व नहीं होगा। महत्व कराना सीखो, अपने वोट को तोल के देने की हिम्मत रखो तराजू में कि यहां मेरे कौम के व्यक्ति का, कौम के समाज के सिस्टम का, मेरे समाज का सम्मान कमजोर ना होने का, इस ताकत के लिए मैं तोल के तराजू में अपनी ताकत को दे रहा हूं। अब तेरी जिम्मेदारी है कि जब तक तू रहेगा इसका प्रहरी बनके इसके सम्मान की रक्षा करना तेरा फर्ज है। यह जिम्मेदारी जब तक आप पाबंद नहीं करोगे, बाउंडेशन नहीं करोगे, शपथ नहीं भरवाओगे, आपका भला कभी नहीं हो सकता है। फिर आपको गाजर मूली की तरह समझा जाएगा, आपकी हर चीज को छेड़ा जाएगा, आपके इतिहास को भी छेड़ा जाएगा, आपको कहीं भी जगह स्थान प्रॉपर नहीं मिलेगा जो आपका सम्मान होना चाहिए। तो हमें सिर्फ सम्मान के लिए, अपने कौम पूर्वजों के इतिहास के लिए अगर जीवित रहना है तो जीवित दिखने के लिए एकता की ताकत में हमको हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी। ये आपको काम करना पड़ेगा। आपके प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अगर राष्ट्रीय राजनीतिक, कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व से, किसी भी राजनीतिक राष्ट्रीय नेतृत्व के दल से अगर मिलना पड़े, हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम दिल्ली में आपके एड़ी से एड़ी के मिला के आपके सहयोग के लिए खड़ी है। जहां भी मिलेगा दो टूक बात करेंगे, मेरे कौम के जो, जहां मेरे कौम का हक बनता है, मेरे कौम की जो विधानसभा है, मेरे कौम के जो क्षेत्र है, उस पर अगर मेरे कौम के व्यक्ति की अनदेखी के, तो हम भी उनका राजनीतिक बहिष्कार कर देंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक अच्छे से समझ ले, इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं, मेरे कौम के व्यक्तियों की अनदेखी के, तो तुम्हारी अनदेखी हम केवल पंजाब नहीं हिंदुस्तान में करके बता देंगे। ये आपको वादा करके जाता हूं आज, क्योंकि ये आपको वादा इस संगठन के माध्यम से करते हैं। 2007 में राजस्थान में आंदोलन हुआ, 72 गुजरों को गोली से भूना गया,
लेकिन मेरे कौम ऐसी हिंदुस्तान में एक ही कौम है गुर्जर जो कहने की जिसने पीठ पे एक भी गोली नहीं खाई। 72 लोगों ने केवल छाती के बटन खोल के छाती पे गोली खाई। जब मेडिकल हुआ तो एक की भी पीठ में गोली नहीं निकली। ये ऐसी बहादुर कौम है आपकी। मेडिकल जांच में सबकी छाती पे गोली खाई के मार गोली मेरे अंदर यहां आके मार। ऐसे इतिहास इस आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं। पुराने टाइम पे तो किसने क्या किया था मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए आपकी कौम कहीं कमजोर नहीं है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, एक आवाज में पूरा देश आपके पंजाब के आवाज के साथ खड़ा हो जाएगा जब आपको कमजोर समझने की कोशिश की किसी राजनीतिक दल ने। तो यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संगठन पूरे देश में निरंतर गति से चल रहा है। और आज जब से हमने पम्मी पंडोरी जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, इन्होंने पूरे प्रदेश की टीम बनाई और बड़ी सक्रियता से इन्होंने पंजाब में झंडा लहराने का काम किया। इसलिए इनको भी मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा। इनके साथ इनकी पूरी टीम को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पम्मी जी के साथ मिलकर के एड़ी से एड़ी मिला के उन्होंने कहा कि पम्मी जी तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा वहां हमारी खून की बूंद गिरेगी। इस लाइन पे काम करने की अगर कोई संगठन में ताकत है तो पंजाब उसमें आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, ये मैं देख रहा हूं। और हाल ही में आपके जीवन भाई को युवाओं की प्रदेश की कमान भी दी है, साथ में ये युवा का टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आपके युवा के प्रदेश के प्रधान है, महिला विंग की प्रदेश की प्रधान बहन प्रियंका मिलू को आपकी महिलाओं की विंग का प्रदेश का प्रधान बनाया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करने के लिए निकलता है तो अगवा तो किसी ना किसी को बनना पड़ता है, नेतृत्व किसी ना किसी को करना पड़ता है। आज बच्चू सिंह बैसला मेरा भी परिवार है, जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। मैं 15 साल राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों का विशेष अधिकारी ओएसडी रहा हूं। मैंने शासन को बड़ी नजदीकी से देखा है। 15 वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी जो प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासन मुखिया और राजनीति के मुखिया होते हैं उन्होंने बेस्ट अवार्ड से मुझे नवाजने का काम किया। मौजूदा अशोक गहलोत ने भी भारत मुझे राजस्थान का मैं बड़े बड़े मंत्रालय को मैंने प्रदेश को डील किया है, मैंने शासन को चलाया है, मैंने कप्तानों को चलाया है, मैंने डीएम एसपी डिप्टी कलेक्टर इंजीनियरों को डील किया है। मैं जानता हूं लेरी कौम के आना को, लेकिन वो ताकत के साथ खड़े होंगे तो किसी भी प्रशासन के थाना अधिकारी की भी, किसी तहसील के तहसीलदार की, किसी कलेक्ट्री के कलेक्टर की हिम्मत नहीं होगी अगर आपके संगठन मजबूत होगा। और संगठन मजबूत होगा उसका लेटर हेड जब किसी बात के लिए आपकी समस्या के लिए समाधान के लिए जाएगा तो उसकी अनदेखी नहीं होगी। और अगर अनदेखी होगी तो हम ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत भी रखते हैं, इस कौम से आते। इसलिए आप इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ऐसी मैं आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं। क्योंकि मेरे कौम का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को थोड़ा सा भी याद कर लेंगे तो आपके इतिहास को कोई अनदेखी करने की भूल नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूं, उस बात का ठोक के कहता हूं। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कह के मेरी बात को प्रणाम देता हूं। और उसके साथ में मैं आज एक आपके मंच से एक बड़ी संगठन की घोषणा का भी करना नहीं भूलूंगा कि सबरन जी जो है खड़े हो जाए चंडीगढ़ से, इनको आज मैं आपके मंच से, ये यूटी के भी मालिक हैं, यूटी से आपका जिस खाते से, क्योंकि हमारी महासभा में हर देश के एक एक राज्य से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता है, तो उसी तर्ज पर आज हमने यूटी के चंडीगढ़ के केम्बा वाला गांव के रहने वाले हैं आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल का प्रभारी घोषित करते हैं। आपके पंजाब के पड़ोस का हिमाचल राज्य है उसमें भी जिस गति से आपने पंजाब में संगठन पम्मी जी ने किया है उनसे प्रेरणा लेकर के और भाई सरवन जी हिमाचल में पूरा संगठन खड़ा करने का दायित्व आज हमको पूरी सभा की तरफ से देते हैं। आज हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया है और इनको हम शुभकामना देते हैं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि हिमाचल में झंडा लहराने का कम्युनिटी का काम करेंगे, ऐसी हमारी आशा है सरवन जी के लिए। इसी के साथ आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आपकी जहां भी जो समस्या है पूरे देश की अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका व्यापार, क्योंकि सभा से केवल और केवल ये मत समझना कि सभा केवल समाज की संस्था का, समाज पे कोई अनदेखी अत्याचार हो उसकी तो समाधान करने के लिए लड़ाई लड़ती है लेकिन साथ में राजनीतिक संरक्षण देने का भी ये सभा काम करती है माननीय विधायक जी।
क्योंकि जब मेरी कौम के किसी व्यक्ति पर अत्याचार करती है, उसकी राजनीतिक दल अगर अत्याचार करता है, तो उस राजनीतिक मुखिया को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी भूल मत करना कि हमारे किसी विधायक पे, किसी मंत्री पे अगर किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति उसको हल्के में लेगा तो हम उसकी खटिया खड़ी करने की ताकत रखते हैं। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो जो मेरे कौम के व्यक्ति की अनदेखी करेगा, मेरे कौम के व्यक्ति पर अगर कोई कमजोर समझे कि भूल ना करे। इस लाइन पे हमने हिंदुस्तान में किया, राजस्थान में किया है, और राजस्थान में हमारे बगैर हम इस बात को फक्र से कहते हैं, किसी जिनके संपर्क हो वो पूछ लेना, राजस्थान की सरकार किसी भी दल की सरकार बने माननीय विधायक जी, मैं बताना चाहता हूं, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य किसी की, हालांकि हमारे यहां दो ही दल की सरकार बनती है आज तक, लेकिन अगर गुर्जर कम्युनिटी की कोई बात आती है तो गुर्जरों से पूछ के फैसला होता है। इतनी ताकत पंजाब में भी होनी चाहिए, ऐसी मेरी विश्वास के साथ काम करता हूं, और इस काम पर महासभा पुरजोर तरीके से ताकत देने का काम करेगी आपके लिए। अब आप अपनी ताकत को बढ़ा के और अपनी शक्ति को पहचानो और अपने आप को जगाओ कि हम किस कौम में जन्म लिया। हमारा बहुत स्वर्णिम युग था, जिस युग के कारण देश पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करने की छोड़ दो आंख उठाने की भूल नहीं करता था। उस कौम में जन्मे हो आप, कहां सोए हुए बैठे हो, जाग जाइए। आज भी अब जाग जाओगे तो आपका कोई कहीं कोई तकलीफ पैदा नहीं होगी आपकी आने वाली पीढ़ियों में, यह पक्का है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, मुझे जब भी मौका मिलेगा, जो मेरा सम्मान और सत्कार किया और आपकी जो प्रदेश की कार्यकारिणी की जितनी मैं साधुवाद और धन्यवाद तारीफ करूं उतनी कम है। इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कार्यक्रम किया, हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुला के इसका सम्मान किया। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार। हरजिंदर सरपंच को 22 प्रेसिडेंट रोपड़।